बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से करीब 4 घंटे तक सीबीआई की पूछताछ। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला, कल लालू और मीसा भारती से हो सकती है पूछताछ। प्रयागराज में उमेश पाल शूटआउट कांड का एक और आरोपी ढेर। विजय उर्फ उस्मान चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया, बाकी आरोपियों की तलाश तेज। अगर ऐसे अपराधी पाताल के नीचे भी घुस जाएंगे तब भी उन्हें खोज करके और उनको जो दंड दिलाने का काम है वह निश्चित तौर से यूपी पुलिस करने में सफल होगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला, बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राहुल ने विदेशी धरती पर किया देश का अपमान। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से विदेशी सरजमीन से राहुल गांधी जी ने भारत को बदनाम करने का ठेका ले रखा है। 20 मार्च तक तिहाड़ जेल भेजे गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, 10 मार्च को फिर होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़क पर बीजेपी का प्रदर्शन। हैदराबाद में फिल्म की शूटिंग के दौरान घायल हुए महानायक अमिताभ बच्चन, एक्शन सीन करते वक्त पसलियों में लगी चोट, शूटिंग छोड़कर लौटे मुंबई, ब्लॉग पर दी जानकारी। यूपी के मेरठ में होलिका दहन को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, एक युवक की हालत गंभीर, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। केरल के कोची में कूड़े के ढेर में लगी आग ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, धुएं ने आसपास के कई इलाकों को चपेट में लिया, प्रशासन की लोगों से घरों में ही रहने की अपील। तोशाखाना मामले में इमरान खान पर फिर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, गिरफ्तारी वारंट रद्द करने वाली याचिका इस्लामाबाद कोर्ट ने की खारिज, कल कोर्ट में हाजिर होने के लिए इमरान को समन्स। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। लोगों की नंबर वन पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर वन न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज 18 इंडिया।